Paneer My Channel. Don't forget to subscribe my channel, the red button below. So guys, this video is all about my night routine. सब सोच रहे हो कि night का routine normal सा होता है, बिल्कुल boring सा, but नहीं, I have lots of things to do. Like मैं रात को बहुत सी यू नो चीज़ें मेरे पास करने के लिए होती हैं, and plus 8 बजे से लेके 1 बजे तक मैं कुछ ना कुछ कर ही रही होती हूँ. फ्री तो मैं होती ही नहीं हूँ, एंड कुछ क्रिएटिव थिंग्स कर लेती हूँ, कुछ एंटरटेनिंग थिंग्स कर लेती हूँ, एंड कुछ थोड़ी सी मस्ती भी कर लेती हूँ, एंड थोड़ा सा पढ़ भी लेती हूँ. एंड एक और बात कि मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे घर के एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट प्यारे से मेम्बर के साथ, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली हूँ, एंड आगे भी ब्लॉग्स में आप उन्हें ज़रूर देखोगे, लाइक उसे ज़रूर देखोगे. सो गाइज, जल्दी से मैं अपना नाइट रूटीन शुरू करती हूँ, एंड प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इट्स 7:30 एंड ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं बाहर लाइक बहुत कम रोशनी है, सो रात होने ही वाली है. सो मेरी जो नाइट रूटीन शुरू होगा वो होगा 8 o'clock से, एंड 8 बजे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं हेला को डिनर दूँगी, क्योंकि उसका डिनर का टाइम हो जाता है, तो 8 बजे उसको पहले डिनर दी. सो सबसे पहले हम तैयार करेंगे हेला का डिनर. सो गाइज, इस वक्त उसको बहुत भूख लग जाती है, सो इसलिए वो मेरा वेटिंग कर रही होगी कि कब आएगी ये लड़की और कब मुझे खाना देगी. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा गुड गर्ल है ये, वो आप खुद ही देख लीजिए. सो ये क्यूट के साथ साथ इनोसेंट भी बहुत लगती है, पर ये है नहीं. सो अभी मैं इसको नया नया सिखा ही रही हूँ, बट ये बहुत अच्छी बात है कि सीख भी खुद ही जा रही है, एंड मुझको तंग नहीं करती बट शरारती बहुत है. सो खाने के बाद हेला के लिए वॉक पे जाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. हेला को मैंने डिनर भी करा दिया है, अब वो घूम के भी आ चुकी है. सो आई होप कि आपको वो क्यूट लगी होगी, वो सच में बहुत क्यूट है, एंड शरारती तो बहुत ही ज़्यादा है. सो अब बारी आती है मेरी डिनर करने के नहीं, बट हाँ कि मैं अपने यू नो पैम्पर करूँ अपने आप को, एंड प्लस स्किन केयर भी करनी है, बिकॉज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है अपने फेस के ऊपर, एंड प्लस आइज के ऊपर. फेस के ऊपर इतना नहीं किया, बट मैंने आई लाइनर भी अप्लाई किया एंड मस्कारा भी. सो वो रिमूव करना है, स्किन केयर करनी है, एंड प्लस क्योंकि गर्मी बहुत है तो रात को मैं ज़रूर नहाती हूँ. तो अभी 9 बजने वाले हैं, तो अब मैं नहाऊँगी एंड अपना स्किन केयर करूँगी, तो बहुत काम है करने के लिए. सो जल्दी हम चलते हैं. हैंड्स को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले मैं हैंड वॉश करूँगी. सो गाइज, करंटली आई एम यूजिंग दिस बायोडर्मा सीबियम रेंज. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले प्रोडक्ट्स. क्यों? क्योंकि लाइक मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि वी शुड यूज़ माइल्ड एंड बहुत ज़्यादा जेंटल प्रोडक्ट्स ऑन अवर फेस लाइक फॉर अवर स्किन केयर. तो यार ये बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं, लाइक बहुत ज़्यादा जेंटल है आपके स्किन के ऊपर, एंड बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. सो या सो मैं आज इसी तरह आपकी स्किन केयर पूरी करके बताऊँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ. सबसे पहले मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी. सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोडर्मा सीबीएम H2O. दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू रिमूव योर मेकअप फॉर एवरी स्किन टाइप, स्पेशली फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एंड प्लस कॉम्बिनेशन स्किन. इट रिमूव्स योर मेकअप वेरी वेल, इट्स वेरी माइल्ड एंड जेंटल ऑन योर स्किन. इसको हम कॉटन के ऊपर अप्लाई करके बहुत ही आराम से अपना मेकअप रिमूव कर लेंगे. सो गाइज, लुक एट माई स्किन, बहुत ही आसानी से जो मेकअप है वो रिमूव हो गया है. नाउ आई एम यूजिंग बायोडर्मा प्योरीफाइंग क्लिनजर विद फोमिंग जेल. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश. वो क्यों? क्योंकि बहुत ही जेंटली हमारे फेस को क्लीन एंड प्योरीफाई कर देता है. इट लिमिट सीबम सिक्रीशन एंड हमारे पोर्स को क्लॉग्ड होने से बचाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है. सो गाइज, मेरी
जो स्किन है वो अच्छे से क्लीन हो चुकी है एंड दिस इज माय बेयर फेस विदाउट एनी मेकअप विदाउट एनी मॉइस्चराइजर, कुछ भी नहीं लगाया मैंने फेस के ऊपर। एंड ये ना मेरे पिंपल आ गया था क्योंकि जब भी मैं कोई गर्म चीज खा लेती हूँ तो मुझे पिंपल आ जाता है। तो गाइज अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए एंड अपनी ड्रेस भी चेंज करूँ एंड इसको भी। नहाने से पहले मैंने अपनी एक्सेसरीज भी उतार के रख ली एंड प्लस अपना नाइट सूट भी उठा लिया जो कि बहुत कंफर्टेबल है। तो उसके बाद मैं नहाने चली गई। सो गाइस मैंने फेस की क्लिनजिंग पहले इसलिए की क्योंकि मैं नहाते वक्त अपने फेस की क्लिनजिंग कर लेती हूँ। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी स्किन केयर। सो गाइस नाउ आई एम गोइंग टू यूज बायोडर्मा ग्लोबल प्योरीफाइंग क्रीम। दिस इज अ वेरी अमेजिंग मॉइस्चराइजर। मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया है एंड प्लस टोनर भी अप्लाई कर लिया था। सो टोनर मैंने यही बायोडर्मा का H2O यही मैं अप्लाई कर लेती हूँ रात को बिकॉज आई रियली रियली लाइक दिस थिंग क्योंकि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से काम कर देता है एंड प्लस इट हैज सो मैनी गुड इंग्रीडियंट्स इन इट। सो उसकी भी मैं आपको लिस्ट यहाँ पे दिखा दूंगी। सो इट्स अ वेरी गुड टोनर एंड स्पेशली फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन जिन्हें बहुत ज़्यादा यू नो प्लस एक्निक प्रोन स्किन, उनके लिए तो ये वाले प्रोडक्ट्स वरदान ही कह सकते हैं। सो ये स्किन टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें प्योरीफिकेशन की जरूरत बहुत होती है स्किन की ताकि उनकी जो स्किन है वो क्लीन रहे, साथ ही में हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर की भी जरूरत होती है। तो ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से दोनों काम करते हैं एंड ये आपकी डार्क स्पॉट्स एंड ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देते हैं एंड मॉइस्चर बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी ग्रीसीनेस ऑन योर फेस एंड इट्स नॉन कोमेडोजेनिक। गाइस डोंट वरी, मैं पिंपल से तो दूर ही रख रही हूँ हर एक चीज को, बिल्कुल पिंपल के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसे बिल्कुल तंग नहीं करना हमने ऐसे ही रहने देना है। सो गाइस यू गाइस कैन सी लाइक कितना अच्छा ग्लो मिल गया है इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करने के बाद मेरे फेस के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा और मुझे लगा कि मुझे जरूरत है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर ली तो यहाँ पे भी कि बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आ रहा है इसे अप्लाई करने के बाद, बट बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर मर्ज हो जाता है। सो आई रियली रियली लाइक दीज प्रोडक्ट्स। स्किन केयर के बाद जितना भी मेरी एक्सेसरी फॉर सामान बाहर पड़ा था इधर उधर सब मैंने उसकी जगह पे रखा एंड ये है छोटा सा मेरा ज्वेलरी बॉक्स जो कि लाइक मोस्टली जो मैं पहनती हूँ ज्वेलरी वो रखी है इसमें एंड प्लस उसके बाद अपने हाथों को एंड पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज किया, अपने बालों को थोड़ी सी मसाज दे के एंड देन उसके बाद हमने बन बना लेना है अपने बालों का एंड दैट्स इट, इतना सा काम है। फिर उसके बाद हमने खाना खाना है। सो उसके बाद मैं अपने चैनल को अच्छे से चेकआउट करती हूँ एंड प्लस सब कुछ देखती हूँ चाहे ईमेल्स हों एंड प्लस आप सबके जितने भी कमेंट्स हैं रीड करती हूँ, लाइक करती हूँ एंड ऑल्सो रिप्लाई भी करती हूँ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही प्यार करती रही एंड मैं भी आपको ऐसे प्यार करती रहूँगी। इट्स टाइम फॉर द डिनर। सो गाइस सबसे पहले तो सैलेड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको भी खाना चाहिए हर रोज़। सो आज हमने बनाया था मटर पनीर एंड साथ में रायता बनाया था, चावल रोटी एंड पापड़ एंड ऑफकोर्स सैलेड तो था ही। एंड उसके बाद मैं अपनी मॉम के साथ बैठ के खाना खाती हूँ हर रोज़ एंड बीच में मेरा भाई भी आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं व्लॉग बनाऊँ और ये बीच में ना आए। सो गाइज अब मैं आराम से खाना खाऊंगी अपनी मॉम के साथ बैठ के। सो गाइज खाना तो हर रोज़ ही टेस्टी होता है बिकॉज मॉम के हाथ का खाना लाइक इज़ द बेस्ट एंड बहुत ज़्यादा यम्मी मेरी मॉम बनाते हैं, स्पेशली चाहे मटर पनीर हो गया, राजमा हो गए, ऑलमोस्ट सब कुछ ही अच्छा बनाते हैं। आप भी बताना कि आपको कौन सी लाइक सब्जी या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको खाने में अच्छी लगती है जो कि आपकी मॉम बनाते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में मुझे बताइए। गाइस मेरी दवाई नहीं हालांकि सो उसके डॉक्टर ने लाइक इसको इसलिए दी थी ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो, विटामिन एंड कैल्शियम एंड ऑल, तो वो देती हूँ इसे एवरी नाइट एंड मॉर्निंग में एंड इसको इतने अच्छे लगते हैं ना सॉफ्ट आइज, ये कितना खेलती है मतलब सॉफ्ट आइज के साथ एंड मेरे साथ बैठ के मस्ती करने लग गई एंड उसके बाद ये सो जाएगी आराम से। अब आता है मेरा स्टडी टाइम, तो रात को थोड़ी देर तो पढ़ ही लेती हूँ मैं।
सो कुछ चीज़ें जो कि मुझे समझ में नहीं लगी होती हैं या फिर मैं रिवीजन कर लेती हूँ या फिर जो मुझे नहीं आता है वो मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। सो कुछ चीज़ें होती जो मुझे पढ़ के नहीं समझ में लगती तो फिर मैं उसके लिए वीडियो देख लेती हूँ ऑनलाइन कोई भी अच्छी सी, जिससे मुझे जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एंड आप बताइए कि आप रात को पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ठीक है। सो वो कर लेती हूँ। एंड अगर ये भी हो गया तो मैं थोड़ा सा कंटेंट के लिए यू नो ढूंढ के टॉपिक्स लिख लेती हूँ। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं हर किसी के लिए। इसमें हम अपना फ़ोन सब कुछ साइड में रख के अपने लिए टाइम निकालते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ करने के लिए जिससे मैं रिलैक्स हूँ एंड मेरा जो माइंड है वो रिलैक्स हो, क्योंकि पूरा दिन कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, स्पेशली फ़ोन चलाते रहते हैं। और मैंने नेल आर्ट की थी, आपने देखी, अच्छी थी ना। सो उसके बाद मैं रिलैक्सिंग सा कोई भी अच्छा सा लाइक साउंड लगा के लैपटॉप मैं बिल्कुल साइड में रख देती हूँ। लैपटॉप उसकी तरफ देखती नहीं हूँ बट मैं सिर्फ साउंड सुनती हूँ। एंड आज मैं कर रही हूँ ड्राइंग, बट मैं कुछ कोई भी ऐसी चीज़ें करती हूँ जिससे मुझे यू नो मेरे माइंड को रिलैक्सेशन मिले। तो कभी कभी मेडिटेशन करती हूँ, कभी कभी ड्राइंग कर लेती हूँ एंड कभी कभी अच्छी अच्छी यू नो साउंड सुन लेती हूँ, लाइक नेचर साउंड हो गया या फिर अपने लिए कुछ करती हूँ। तो आई नो मैंने 10 मिनट में बनाई है ये, इससे भी अच्छी बना सकती हूँ मैं, पर डोंट जज मी। बट आज मैंने ये बनाया है, कुछ डूडल्स बनाए हैं, एक वीयू बनाया है एंड एक कैमरा बनाया है बिकॉज आई लव टू शूट। गुड हैबिट्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ रात को, तो मैं रात को दूध पीती हूँ। सो गाइज प्लीज़, मुझे पता बहुत से टीनेजर व्यूअर्स हैं मेरे, तो दूध ज़रूर पिया करिए। आई नो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कुछ लोगों को नहीं, बट पीना ज़रूर चाहिए। उसके बाद मेरे को बहुत नींद आ रही थी पर मैं सोई नहीं। तो उसके बाद हम करेंगे ब्रश, तो ब्रश करना भी बहुत ज़रूरी है, आप भी करके सोया करिए रोज़ ब्रश, ठीक है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा चिल करती हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी अपनी मेंशन कर दिया, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जल्दी जल्दी जाके, बट पहले वीडियो देख लीजिए फिर कर लेना फॉलो, ठीक है। सो किरण ट्यूटोरियल्स ही है मेरी आईडी। तो मैं लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी मुझे डीएम्स आए होते हैं, लाइक जो लोग मुझे यूट्यूब से जानते हैं तो वो भी मुझे करते हैं टेक्स्ट, उनको भी मैं रिप्लाई करती हूँ। एंड जो भी यू नो अच्छी फीड पे आती हैं मेरी अच्छी अच्छी पोस्ट, उन्हें भी लाइक कर देती हूँ, ठीक है। तो रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो अब आ जाती है स्नैपचैट की, तो स्नैपचैट के ऊपर वैसे ही मैं थोड़ी सी मैंने सेल्फीज क्लिक की, थोड़ी सी वीडियो बनाई, स्नैप बनाई एंड उसके बाद मैं आपके लिए कुछ बना रही हूँ। एंड मेरी आईडी भी मेंशन है मिस क्यूटी के, बहुत पहले बनाई थी, सो डोंट जज मी विद द यूज़र नेम। सो आप मुझे वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है आई लव यू माई यूट्यूब फैमिली, जो कि सच है, आई लव यू सो मच। सो उसके बाद मैं वैसे मूवी देखने लग जाती हूँ, बट आई नो मूवी मैंने पूरी देखनी नहीं है, मुझे नींद आ जानी है बीच में। सो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मूवी कौन सी, आप गेस कर सकते हैं, मैंने आपको हिंट भी दिया हुआ है साथ में। जैसे कि मैंने कहा ही था मुझे आ गई नींद एंड साथ में सो गई। सो गाइस यही था मेरा नाइट रूटीन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। सो गाइज ये है हैला, बहुत ज़्यादा शरारती है ये एंड आप देखिए कैसे मेरे साथ मस्ती करती है ये। तो लाइक ऐसे तो ये वैसे गुस्से में नहीं काटती, बहुत ही प्यार से काटती, लाइक प्यार ही करती है अपनी तरफ से। तो ये That's it for today guys, bye bye, love you।